हेलो दोस्तों, आज की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आती है जिससे बचने के लिए हम वहाँ पर झूठ का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं, झूठ बोलते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें बाद में नुकसान पहुँचाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जिसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर आपने सुनी होगी तो वेल एंड गुड। दोस्तों, एक बार एक औरत होती है और अपने बच्चे को गोद में लिए बाजार जा रही होती है। वो बाजार सब्जी खरीदने के लिए जा रही होती है। बाजार में जाती है, दुकानदार से वार्तालाप करती है, अपने बच्चे को थोड़ा साइड में बैठा रखती है। इसी बीच में दुकानदार से सब्जी खरीदने के लिए मोल भाव करती रहती है। तभी एक दूसरी औरत वहाँ पर आती है जो बच्चा चोर होती है, बच्चे को चुराने वाली होती है। आपने आज समाज में चीज़ें देख ली होगी, तो उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और वो मौका देखते ही उस बच्चे को उठा लेती है और चल देती है। जब उस बच्चे की माँ सब्जी लेने के बाद इधर देखते कि मेरा बच्चा गायब है, वो चारों तरफ दौड़ती है, भागती है, चिल्लाती है, तो उसको दिखाई देती है कि वो औरत बच्चा लेके जा रही होती है। वो दौड़ के उसका पीछा करती है, चिल्लाती है और उसको आखिरकार पकड़ लेती है। उसको बोलती है कि मेरा बच्चा मेरे को वापिस दो। तो चोर जो थी, चोर महिला, वो बोलती है कि ये बच्चा मेरा है, वो दावा करने लग जाती है। दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि बच्चा आखिर किसका है। चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो जाती है इस बवाल को देखते हुए, लेकिन भीड़ भी ये नहीं समझ पाती आखिर ये हो क्या रहा है, बच्चा किसका है। इस चीज का फैसला करने के लिए एक बंदा उसमें से बोलता है, भीड़ में से, कि आप दोनों को न्यायालय जाना पड़ेगा, वहीं पर इस बात का फैसला होगा। तो दोस्तों, दोनों महिला न्यायालय में जाती है। जज साहब के सामने एक कटघरे में एक महिला, दूसरे कटघरे में दूसरी महिला, दोनों फिर भी इसी चीज पर बहस करती रहती है कि ये बच्चा मेरा है। चोर बोलती है कि ये बच्चा मेरा। तो जज साहब भी कंफ्यूज है। फिर जज साहब को एक युक्ति आती है, एक उपाय आता है जज साहब के दिमाग में। देखना दोस्तों ध्यान से। तो जज साहब बोलता है कि मैं अपना फैसला सुना रहा हूं, अगर ये बच्चा आपका भी और आपका भी है तो इस बच्चे को दोनों आधा आधा कर लो भाई, इस बच्चे को बीच में से काट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। इतना सुनते ही जज साहब अपना फैसला सुना देता है और सभी भयभीत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सभी जितने इस बात को सुन रहे होते हैं। इसको सुनते ही उसकी माँ, जो रियल माँ थी बच्चे की, वो रोने लग जाती है, बुरी तरह विलाप करती है कि जज साहब मेरे को मेरा बच्चा लौटा दो, आपने क्या फैसला ले दिया, मेरे को मेरा बच्चा दो, आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वो ये भी बोल देते हैं कि जज साहब अगर आपको करना ही है तो इसको ही दे दो, ये मेरा बच्चा इसको चोर को ही दे दो, पर इसको जीवित रखो, इसको बीच में से काटो मत, मारो मत। तो जज साहब की युक्ति काम आ जाती है। दूसरी जो चोर महिला थी, इस बात को ध्यान से सुनती रहती है, उसके दिल पर कोई आघात नहीं पहुंचता क्योंकि आखिर उसका बच्चा था ही नहीं। इस प्रकार से जज का फैसला सही होता है और जज बोलता है कि ये इसका बच्चा है, उसका बच्चा मिल जाता है। तो आखिरकार दोस्तों, इससे क्या शिक्षा मिलती है? कहीं ना कहीं सच्चाई हमारे आगे आती है। अगर हम सच बोलते हैं किसी एक इवेंट पे, तो वो घूम के कहीं ना कहीं हमारे सामने सच आएगा और वो हमको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। और दूसरी ओर अगर हम किसी सिचुएशन के में झूठ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो झूठ घूम के हमारे सामने आएगा, फिर हमने एक झूठ को ऐड करना पड़ेगा ताकि उस झूठ को छुपाया जा सके। ये है जीवन की सच्चाई। एक बार बोलना थोड़ा कठिन होता है, कष्टदायक होता है, लेकिन वो बाद में फायदा भी देता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम आ मियां मिट्ठू बनते रहते हैं, अच्छा बोलते रहते हैं दूसरों को फालतू में और झूठ बोल बोल के काम करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हमको बार बार डालता रहता है। तो इसलिए दोस्तों, सच्चाई का साथ दो। मानता हूं ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। आज की वीडियो में इतना ही कहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मोटिवेशनल लगा तो प्लीज शेयर इट, लाइक करिए और इसको चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।